अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ इन द रिस्पेक्टिव वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेव विच इज़ रिटन बाय फौरव फरुख साद फ़ौरव फ़रुखसाद एक इरानियन पोइट्स थी और पर्शियन लिटरेचर के अंदर इनका एक डोमिनेंट नेम है ट्वेंटी सेंचुरी पर्शियन लिटरेचर में इनको एक फर्स्ट फैमनिस्टिक ऑथर कहा गया इन्होंने जो लिटरेचर था उसको एक न्यू एंगल से डिस्कस करना शुरू कर दिया पर्शिया के अंदर ठीक है अब हुआ क्या बेसिकली पर्शियन में जो सोशल टैबूज थे उनके बारे में लिटरेचर में बात करना एक इनलीगल एक्टिविटी काउंट की जाती थी एक बहुत ही ब्रेव एक्ट था ये अब हुआ क्या इन्होंने जो अपनी पोइम्स लिखी जो पोइट्री लिखी उस ड्यूरेशन में वो सारी की सारी सोशल टैबूज को डिस्कस कर रही थी जिसमें लव लास्ट सेक्स सेंसुअलिटी ये सब भी आ जाता है और इन एडिशन नाइनटीन में डाइवोर्स के बारे में बात करना भी एक सोशल टैबू था कि कोई भी पर्सन ओपनली डाइवोर्स के बारे में बात नहीं करता था और इन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर डाइवोर्स को भी डिस्कस किया और जो हमारी रिस्पेक्टिव पॉइंट द वेव है ये भी डाइवोर्स के थीम को कैरी कर रही है अपने अंदर अब इनकी इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से इनकी ऐसी राइटिंग की वजह से इन्होंने नाइनटीन सॉरी ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर एक टाइटल अन किया दैट इज़ रबीलियस पोइटस इनको रबीलियस वुमेन पोइटस का टाइटल मिला और क्योंकि ये एक फेमोनिस्टिक राइटर थी इन्हों इनके जितने भी आप पीस ऑफ वर्क्स पढ़ेंगे उन सब के अंदर आपको फेमोनिजम ज़रूर नजर आएगा जिसके अंदर ये पेट्रारकल सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ कर रही होंगी मेल को क्रिटिसाइज कर रही होंगी फ़ीमेल आइडेंटिटी की बात की कर रही होंगी फ़ीमेल सब्जुगेशन, फ़ीमेल ऑपरेशन फ़ीमेल एक्सप्लोटेशन दिखा रही होंगी इवन के ये अपनी खुद की बात भी करती हैं कि जो हमारी फ़ौर व फरगज़ा थी इनको इनकी लाइफ में हैड टू फेस डाइवोर्स इनको डाइवोर्स फेस करना पड़ा और जो डाइवोर्स का ट्रॉमा था इन्होंने उस ट्रॉमा को डिस्कस किया है अपनी इस रिस्पेक्टिव पीस ऑफ वर्क यानी कि द वेव के अंदर क्लियर तो वेव बेसिकली एक टर्मोइल है एक ट्रॉमा है एक लहर कि वो लहर जब चलती है तो डैमेज करके रख सकती है हर एक चीज़ को एक्सप्लोयड एक करके रख देती है हर एक चीज़ को और लहर क्या होती है वो कभी भी स्ट्रेटिक नहीं होती मतलब समंदर में एक लहर चल रही है तो आज यहाँ कल वहाँ परसों आगे मतलब हर हर टाइम वो लहर आगे से आगे बढ़ती रहती कभी भी एक जगह पे स्टेटिक नहीं होती क्लियर तो यहाँ पे जो वेव है वो एक एक्सप्लोटेशन को सिंबलाइज कर रहा है डैमेज को सिंबलाइज कर रहा है इसके अलावा यहाँ पे वेव इसके अपने हस्बैंड को सिंबलाइज कर रहा है और जो हस्बैंड ने इसको डाइवोर्स दी तो बेसिकली वेव वहाँ पे डाइवोर्स का भी एक सिंबल है क्लियर अब हम पॉइंट को देखते हैं टू मी यू आर अ वेव अब यहाँ पे देखें यू आर अ वेव टू मी ठीक है कि तुम मेरे लिए एक वेव हो एक लहर हो और वो लहर कैसी जो ना कभी यहाँ पे है नेवर हेयर नेवर देयर जो ना कभी वहाँ पे है यू आर स्टिल नोवेयर और कभी भी कहीं पर नहीं है अब यहाँ पर पे हम पेरेंटली देखें तो कहते तुम्हें यू आर अवेव नेवर हेयर नवर देयर यू आर स्टिल नो वेयर ग्रैबिंग ड्रैगिंग देन फ्लिंग अवे कि तुम क्या हो तुम मेरे लिए एक लहर की तरह हो जो ना कभी यहाँ पर टिकते हो ना कभी वहाँ पर टिकते हो कभी भी कहीं पर ना टिकते हो ग्रैबिंग ड्रैगिंग देन फ्लिंग अवे पकड़ते हो खींचते हो फिर भाग जाते हो लहर क्या करती है लहर पानी समंदर में चलती है ना तो समंदर में लहर चलती है तो अपने साथ और पानी को खींचती है फिर पानी को खींच के वो आगे जाती है और पिछला वाला पानी पीछे छोड़ के फिर अगले पानी को पकड़ लेती है बिल्कुल यहाँ पे वो बात कही जा रही है कि ड्र, ग्रैबिंग ड्रैगिंग दैन फ्लिइंग अवे उसके बाद है यू स्विफ्टली स्प्रिड लाइक अ डेडली प्लेग फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो तुम फैलते जाते हो किस तरह फैल रहे हो एक डेडली प्लेग की तरह डेडली प्लेग क्या है डडली प्लेग जो है वो आपके लिए हर्ट का कॉज बनता है कर्ज का कॉज बनता है डिजीज पैदा होती हैं उससे बीमारियां फैलती हैं तो तुम मेरे अंदर एक बीमारी की तरह फैल चुके हो कौन अपने ये हस्बैंड से जो कि इसका एक्स हस्बैंड, मैंने कि डाइवोर्स हो चुकी है उससे यहाँ पे मुखातब है एड्रेस कर रही है उससे फिर क्या कहती है ऑन द रन फॉर द अदर सोइल कि तुम मुझे छोड़ गए इधर उधर इधर उधर भाग रहे हो किसके लिए भाग रहे हो अदर सोयल दूसरी ज़मीन के लिए यानी दूसरी औरतों के लिए तुम इधर उधर भाग रहे हो मुझे डावोर्स देकर योर डेस्टिनेशंस वेग लेकिन तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है तुम्हें खुद भी क्लियर नहीं है कभी एक के पास तो कभी दूसरे के पास कभी तीसरी के पास तुम तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल जाओ तुम तो सेंसुअल uh, एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल जाओ यहाँ पे क्या बताया जा रहा है सोशल टैबूज को कि जो सोशल टैबूज हैं इनके बारे में बात नहीं की जाती ये उनकी बात कर रही है ये नंबर वन तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो नंबर टू तुम कभी यहाँ भाग रहे हो कभी वहाँ भाग रहे हो तुम्हें सुकून नहीं आने वाला ठीक है और तुम भाग किसके ले रहे हो तुम ओदर से दूसरी औरतों के लिए भाग रहे हो और तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है तुम्हें खुद भी क्लियर नहीं है वॉचिंग यू फ्रॉम फॉर एंड वाइड मैं तुम्हें देख रही हूँ फॉर एंड वाइड हर एंगल से देख रही हूँ इन माई सीज्ड आई कि मेरी आंखें क्या है स्टेटिक है मेरी आंखें साकिन है मैं कुछ कर नहीं पा रही मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे मेरी आंखें स्टेटिक है यू आर अ रिबेलियस टाइड इन एन इटर्नल ग्लाइड तुम क्या हो? एक रिबेलियस टाइड बन चुके हो तुम एक बागी टाइड हो जो कि इधर उधर इधर उधर भाग रहे हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और यहाँ पे इटर्नल ग्लाइड जो है इसकी खुद की जात भी है यानी कि मेरे अंदर क्वाइटनेस है ठीक है मेरे अंदर स्मूदनेस थी और तुम उस स्मूदनेस के अंदर उस क्वाइटनेस के अंदर बहुत ही रिबियसली टाइट एक बागी लहर की तरह चल रहे हो यानी कि मेरा खून दौड़ रहा है मेरा मैं पागल हो रही हूँ अब तुम किस तरह चलते हो कहते इंसिस्टेंस इमपेशन देन अ रेस्टलेस एरेंट यू मस्ट बी काम इन हार्ट फ्रेटफुल जस्ट इन एक्ट कि तुम एक इंसिस्टेंट इमपेशेंट और रेस्टलेस एरेंट हो कि तुम्हारे अंदर खुद ही सब्र नहीं है म इन हार्ट तुम्हे एक हार्ट के अंदर दिल के अंदर काम होना चाहिए तुम्हारे दिल के अंदर एक नरमी आनी चाहिए फ्रूटफुलट इज योर नेटिव लैंड अब यहाँ पे सी ऑफ रिगरेट बेसिकली सिंपलाइज कर रहा है इमोशनल टर्मोयल को ठीक है यानी के इमोशनल टर्मोयल क्या जो पेन है जो सफरिंग है, है उन सबको वो क्या है जो सी ऑफ रिगरेट है वो बेसिकली योर नेटिव लैंड तुम्हारा नेटिव लैंड यानी कि तुम्हारा खुद कौन है तुम्हारा नेटिव लैंड जो है वो फीमेल को प्रायोरिटी नहीं दे रहा वो वुमेन को उसकी जो अथॉरिटी है जो उसकी पोजीशन है वो उसको असाइन नहीं कर रहा और नेटिव लैंड के अंदर यही कुछ हो रहा है कि एक विमेन को सेपरेट किया जा रहा है और कौन कर रहा है मेल कर रहा है किससे कर रहा है अपने आप से कैसे डाइवोस देकर ठीक है कहते येस यू आर एन अनरूली टायर्ड कि हाँ तुम एक अनरूली टायर्ड हो अजीबो वरीब सी टायर्ड हो जिसमें कोई कोई तरतीब नहीं है सो ऑलवेज़ ऑन द राइड और हमेशा एक दौड़ में हो इन एन अटरनल ग्लाइड और वो दौड़ कहाँ पे एक पीसफुल प्लेस के अंदर पीसफुल वर्ल्ड के अंदर तुमने एक बेतरतीबी मचाई हुई है एक बेधड़ंग सी दौड़ तुमने मचाई हुई है बट वन नाइट या तुम मुझे छोड़ के चले गए लेकिन एक रात क्या होगा आई विल वेयर अ मास्क मैं एक मास्क पहनूंगी मेड ऑफ थर्स्ट जो कि पानी से बना होगा क्योंकि तुम तो एक राइड हो ना राइड किसकी हो तुम एक टाइड की एक लहर की तुम तो लहर हो तुम्हारे पास सारा पानी है तुम पानी लेके इधर दौड़ो इधर ले रहे हो तो, तो मैं क्या हूँ मैं एक मास्क बन के आऊँगी जिस मेड ऑफ थर्स्ट प्यास से भरा हुआ होगा ऑफ द रिमोटर्स शोर्स एंड देयर डेजर्ट आईलैंड एंड आई विल कैप्चर यू इन माई अब्जॉर्बिंग सैंड्स मैं क्या हुँगा? मैं रेत बन जाऊंगी वहाँ पे और जब मैं रेत बन जाऊंगी और प्यासी होंगी बिल्कुल तो वहाँ पे मैं तुम्हें कैप्चर कर लूँगी इन माय एब्जॉर्बिंग सैंड्स यानी कि जो मेरी रेत होगी वो तो खुश्क होगी उसको प्यास लगी होगी अपनी बॉडी की बात करी है और क्या कह कहती मुझे तो प्यास लगी होगी और जब तुम मेरे पास आओगे आई विल कैप्चर यू तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं जा पाओगे क्यों मेंटली तौर पर तुम्हारे माइंड में बैठी रहूँगी फॉर एवर हमेशा फ़ॉर अवे फ्राम नेवल लिटल लैंडस के तुम जितना मर्जी दूर चले जाओ मैं हमेशा तुम्हारे माइंड में रहूँगी और एक टॉर्चर बन के तुम्हें तंग करती रहूँगी एक इमोशनल ट्रामा की बात की है इसके अंदर इसने पोइटर्स ने, ने, ने कि जो गुड बाय करना एक पार्टनर को कितना डिफ़िकल्ट होता है ठीक है ये बेसिकली इस एंगल से पोइटर्स ने ये पॉइम लिखी है एंगल क्या है डाइवोर्स ठीक है कि एक पार्टनर को जब दूसरा पार्टनर डावोर्स देता है तो जो फर्स्ट पार्टनर यानी कि एक फ़ीमेल होती है उसको कितना ज़्यादा ट्रॉमा फेस करना पड़ता है वो एक ट्रबल में होती है उसको बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है यहाँ पे जो वेव वो उसको हर्ट करिए और वेव सिम्बलाइज करी इसके पार्टनर को इसके हस्बैंड को क्लियर इस एंगल से इसने ये पॉइंट डिस्कस की है इसके मल्टीपल एंगल्स बनते हैं जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक तो परस्पेक्टिव फैमनिज़म का हो गया दूसरा पर्सपेक्टिव इसके अंदर क्लोनियलिज्म का भी होता है कि जब वो कहती है कि तुम एक वेव हो यानी कि क्लोनियल पावर जो ना कभी यहाँ टिकते हैं ना कभी वहाँ टिकते हैं उनको कोई सुकून ही नहीं आता वो जब चाहे जहाँ चाहे जाके अपनी अपनी लैंड जो है उनको उनकी लैंड की जो लस्त है थर्स्ट है वो कभी खत्म ही नहीं होती इसलिए ना कि आ, कि तुम यू आर वेव नेवर हेयर नेवर देयर यू आर स्टिल नो वेयर ग्रैबिंग ड्रैगिंग दैन फ्लींग अवे

एक वाइड एक्स्टेटिक आई से मतलब मैं एक जगह भी खड़ी हूँ और तुम लोग को ऑब्जर्व कर रही हूँ और तुम रिबेलियस हो के जमीनों पर ज़मीनें कब्जे करी जा रहे हो बेसब्री के साथ बेताबी के साथ बेचैनी के साथ कहती है इंसिस्टेंस अ रेस्टलेस एरेंट यू मस्ट बी काम इन हार्ट फ्रेटफुल जस्ट फ्रेटफुल जस्ट इन एक्ट एंड आई नाउ नो दी ऑफ रिग्रेट इज़ योर नेटिव लैंड अब क्या है कि तुम लोगों ने सला कुछ अपने कब्जे में कर लिया अब क्या हो कि तुम लोग अपने नेटिव लैंड के जब आ रहे हो वहाँ पर तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है किस चीज़ का जो तुम लोग भी और पावर नहीं अपनी एक्सपैंड कर पाए जब तुम और पावर एक्सपैंड कर लो तो तुम लोग और, और अमीर हो जाओ तुम लोग की लस्ट कभी भी एंड नहीं हो रही यहाँ पर ये एंगल बन रहा है कलोनीलिज्म का हम इसके कलोनीजम की थेरी अप्लाई कर सकते हैं कहते जितना चाहो तुम फैलते जा रहे हो तुम तो एक अनरिली टाइड बन गए हो ऐसी टाइड ऐसी लहर जो कि आगे आगे बढ़ते जा रहे हो लेकिन एक दिन मैं तुम लोगों की ये लहर खत्म कर दूंगी तुम लोगों की ये जो बढ़ने की लस्ट है ख़त्म कर दूंगी कैसे कहती मैं एक थर्स्ट का मार्क्स बन जाऊंगी और मार्क्स बन के मैं एक जो है नहीं है डेजर्ट सहरा वहाँ उस जगह पर चली जाऊंगी और जब तुम मजीद लैंड ऑक्युपाई करने के लिए आओगे तो आई विल कैप्चर यू मैं तब तुम्हारा लैंड भी ऑक्युपाई कर लूंगी ये बन गया जिसका कॉलोनियज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव ऑन द अदर हैंड हम मार्क्सिज्म भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि जो रिच क्लास है वो फैलती जा रही है एक लहर की तरह ठीक है और वो एक्सप्लोर करती जा रही है पुअर क्लास को और जब वो लहर की तरह फैलती जा रही है एक्सप्लोर करती जा रही है पुअर क्लास को तो एट द एंड यहाँ पे वही वन लाइन कि मैं एक I will wear a mask made of thirst of the remotest shores and their desert island. I will capture you in my absorbing sands forever far away from your naval little lands. कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मैं जो हूँ एक ऐसा थर्स्ट वाला मास्क बन जाऊँगी मतलब मैं एक ऐसी बंदी बन जाऊँगी कि जो तुम मुझे इतना एक्सप्लोयर कर रहे हो तुम पुअर क्लास को इतना एक्सप्लोयर कर रहे हो मैं वन डे आई विल रिमूव योर एक्सप्लोटेशन आई विल एक्सप्लोइ यू मैं आपको एक्सप्लोयर करूँगी तो आपके सारे लैंड और आपकी जितनी भी सुपर पावर्स हैं वो ऑक्यूपाई कर लूँगी ठीक है ये भी इसके अंदर हम लोग को एंगल नज़र आता है ठीक है ये हमारा एनालिसिस है लेकिन जो पॉइट ने पॉइटर ने से जिस पर्सपेक्टिव में लिखा वो मैंने आपको बता दिया कि उसने बेसिकली डाइवोर्स की पर्सपेक्टिव में इस पॉइम को लिखा है और लिटरेचर लिटरेचर की एक खास बात है और वो एक खास बात यह है कि लिटरेचर का पर्सन जिस मर्जी एंगल में चाहे पॉइम को डिस्कस कर सकता है लेकिन उसने अपने आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं जैसे कि मैंने बता दिया कि इसमें ये चीज़ इस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है क्लियर तो एनी हाउ हम लोगों ने जो पॉइम में थीम देखे हमारे पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसमें मार्क्सिज्म भी है क्लोनियलिज्म भी है फेमेिज्म भी है पोइट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसके अंदर हम लोग को फेमनिज्म नज़र आता है एक्सपोटिशन ऑफ वीमेन नज़र आती है डिवोर्स नज़र आता है और सेपरेशन इज़ अ हर्टफुल थिंग ठीक है ये नज़र आता है और उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं इमोशनल टर्मोइल सोशल टाबूज दैट्स ऑल और जब राइटर ने ये पोइम लिखी थी जैसे कि मैंने बताया कि नाइनटीन थर्टीज़ और फिफ्टीज़ का टाइम पीरियड था वहाँ पर डावोर्स के बारे में बात करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था एक टैबू समझा जाता था तो जो राइटर ने जब ये वाली पोइम लिखी तो उस पॉइम लिखने के बाद क्या हुआ इसने डिवीट किया सोशल नॉर्म से यानी कि जो फॉर्म्स चलती आ रही थी सोसाइटी की उससे हट के इसने बात की और ये भी इसका क्या था उस टाइम पर वाली पोइम लिखना एक रिबिलियस एक्ट था और आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी राइटर हैं फ़ौर फ़ारुखजात इनको एज़ ए रिबिलियस वूमेन डिस्कस करें तो आपने बताना है कि उस टाइम पे डाइवोर्स की बात करना सोशल टैबूज की बात करना ये बहुत बड़ा एक्ट था और इसने किया ठीक है और इसने उन उन चीज़ों के बारे में बात की जो कि उस टाइम पे सोसाइटी के अंदर कोई नहीं कर रहा था जैसे कि फैमोनिज्म के बारे में बात हो गई तो पर्शियन सोसाइटी के अंदर पर्शियन लिटरेचर के अंदर फैमोनिज्म के अंदर किसी ने पहले बात नहीं की थी ये फर्स्ट फैमोनिस्टिक राइटर काउंट होती हैं और इन्होंने अपनी पॉइम्स के अंदर मल्टीपल कन्फ्लिक्स जो थे सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं उन सबको कन्वे किया अपने रीडर्स को ठीक है तो आई होप कि आपको ये पोइम अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी इस पोएम में बेसिकली अगर हम बात करें तो ओवरऑल सिक्स टेंजर्स से जो राइटर ने खुद ओरिजिनल पॉइम लिखी है और सिक्स एंडजेंजर्स के अंदर ट्वेंटी फाइव लाइन्स थी ओरिजिनली ये पोइम जो है बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है जिसके अंदर कोई भी राइम स्कीम यूज़ नहीं की गई लेटर ऑन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है टेंस इसके अंदर स्टार्टिंग पे प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल्स यूज़ किए गए हैं एंड एंड पे आके जब हमने देखा तो उसमें फ्यूचर की बात की गई थी जैसे कि इसने कहा था कि तुम तुम ये ये हो मैं फ्यूचर में ये होंगी आई विल ठीक है मैं फ्यूचर में ये करूंगी तो स्टार्टिंग पे प्रेजेंट चल रहे थे और एंड पे आके फ्यूचर टेंस यूज़ किया गया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक भी करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा क्योंकि आपका एक सिंगल सब्सक्राइब और एक सिंगल शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है ट्यून्ड अल्लाह हाफिज़